बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम इन CSS ट्यूटर। वी आर डिस्कसिंग अबाउट एवरीडे साइंस पेपर। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट टू ऑर्गेनेलीज ऑफ सेल, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। बिफोर आई स्टार्ट माई ट्यूटोरियल, यू आर रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस बेल बटन टू गेट नोटिफाइड अबाउट ऑल न्यू ट्यूटोरियल्स फ्रॉम CSS ट्यूटर। लेट्स लुक एट डिटेल्स ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल रिजिड और नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है, बैक्टीरियल और प्लांट सेल के आउटर मोस्ट लेयर है। ये प्रोटेक्ट कर रही है सेल मेम्ब्रेन को और प्रोटोप्लाज्म को। प्रोटोप्लाज्म मीन क्लियर मटेरियल विच इंक्लूड्स न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनेलिस। सेल वॉल की सिंथेसिस स्टार्ट होगी एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, जब साइटोकिनेसिस प्रोसेस होगा। साइटोकिनेसिस मीन डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। उस वक्त सेल प्लेट की फॉर्मेशन होगी, सेल प्लेट पर डेपोजिशन होगी सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज और पैक्टिन की, और लेटर ऑन ये सेल वॉल में डेवलप हो जाएगी। सेल वॉल केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट है। ग्रीन प्लांट्स के अंदर सेल वॉल सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, पैक्टिन और प्रोटीन से बनी है। फंजाई की सेल वॉल काइटन से बनी है। बैक्टीरियल सेल वॉल में डोमिनेटिंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पेप्टिडोग्लाइकेन है। साथ ही डायग्राम में थ्री लेयर्स शो की गई हैं ग्रीन प्लांट्स की सेल वॉल की। ब्लू कलर मिडल लमेला को शो कर रहा है, रेड कलर प्राइमरी वॉल को और ग्रीन कलर सेकेंडरी वॉल को शो कर रहा है। मिडल लमेला पॉलीसेकेराइड से बना है जो कि नेबरिंग सेल को ज्वाइन करेगा। प्राइमरी सेल वॉल सेल्युलोज से बनी है और इसकी ग्रोथ न्यूक्लियस और मिडल लमेला के दरमियान होती है। सेकेंडरी सेल वॉल सेल्यूलोज और हेमी सेल्यूलोज से बनी है और इसकी ग्रोथ प्राइमरी सेल वॉल और न्यूक्लियस के दरमियान होगी। यंग सेल्स में सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, मेच्योर सेल के अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों सेल वॉल प्रेजेंट होंगी। एजिड सेल के अंदर सेकेंडरी सेल वॉल मल्टी लेयर्ड है। इस ट्रांसफर सेक्शन के अंदर प्लांट सेल, सेल मेम्ब्रेन, सेकेंडरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल और मिडल लमेला को शो किया गया है। सेल वॉल के रिजिड नेचर के प्लांट सेल को बहुत बेनिफिट्स हैं, लाइक उसे स्ट्रेंथ मिल रही है, शेप मेंटेन हो रही है, मैकेनिकल और फिजिकल शॉक्स और स्ट्रेसेस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिल रही है। और सेल वॉल एक बैरियर के तौर पर एक्ट कर रही है अगेंस्ट इन्वेजन ऑफ पैथोजन, यानी डिजीज कॉजिंग वायरसेस, बैक्टीरिया और इन्फेक्शियस प्रोटीन्स के अगेंस्ट, जो सेल को इन्फेक्ट नहीं कर पाते। सेल जब फुली वाटर से सैचुरेट होता है तो उसकी स्टेट को टर्जिड स्टेट कहते हैं। इस स्टेट में सेल लाइस भी कर सकता है जिससे सेल वॉल प्रोटेक्ट कर रही है। ट्रांसपिरेशन इज लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। सेल वॉल एक्सेसिव वाटर लॉस को चेक करके प्लांट को विल्टिंग से प्रोटेक्ट करती है। सीड्स की सेल वॉल कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर करती है जो एम्ब्रियो की ग्रोथ में एज ए फूड एक्ट करती है। सेल वॉल इज अ पोरस स्ट्रक्चर। इसके लार्जर पोर्स के थ्रू नेबरिंग सेल्स के साइटोप्लाज्म कनेक्ट कर जाते हैं, यानी प्लाज्मोडेस्माटा डेवलप होते हैं जिनसे बाई डायरेक्शनल मटीरियल की ट्रांसपोर्ट भी होती है। मटीरियल फ्लो नेबरिंग सेल्स में होगा। सेल वॉल एज ए रिसेप्टर भी फंक्शन करेगा। जब सेल फुली मेच्योर हो जाएगा, मीन्स अपने साइज में इंक्रीज कर जाएगा, तो फिर उसे सेल वॉल सिग्नल करता है डिवीजन प्रोसेस के लिए। सेल वॉल सेल की ग्रोथ को भी कंट्रोल करेगा। प्राइमरी ग्रोथ में सेल लेंथवाइज इंक्रीज करेगा, सेकेंडरी ग्रोथ में सेल गिर्थवाइज इंक्रीज करेगा। अब हम बात करते हैं फंजाई के सेल वॉल पर। फंजाई यूकैरियोटिक नॉन फोटोसिंथेटिक प्लांट है। क्लोरोफिल की एब्सेंस की वजह से अपनी सराउंडिंग में से डेड ऑर्गेनिजम्स को डीकम्पोज करके अपनी रूट्स के थ्रू फूड को अब्सॉर्ब करता है। इसके सेल वॉल के अंदर तीन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डोमिनेंट हैं, काइटन, ग्लूकेन और ग्लाइकोप्रोटीन्स। अल्फा और बीटा इनकी बॉन्डिंग पोजिशन है। यीस्ट में वैरायटी ऑफ पिगमेंट्स की वजह से वैरायटी ऑफ कलर्स हैं, वाइट, पेल, क्रीमी, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लैक और बहुत से कॉमन नेम हैं। यीस्ट, मशरूम्स, मोरल, पफ बॉल्स, रस्ट। डायनेमिक नेचर मींस फंगल सेल वॉल की केमिकल कंपोजिशन स्पीशीज टू स्पीशी वेरी करेगी। डायनेमिक नेचर में सेल वॉल वैरायटी ऑफ फंक्शंस को परफॉर्म करती है, लाइक सेल को डेफिनेट शेप देगी, उसको रिजिडिटी देगी, उसके मेटाबॉलिज्म आयन एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करेगी, होस्ट के साथ इंटरेक्ट करते हुए उसकी इम्यून सिस्टम से प्रोटेक्ट करेगी। इसकी बायोसिंथेसिस फीचर जो है वो एंटीबायोटिक से प्रोटेक्शन देके इसकी सेल वॉल पर हैवी काइटिनस डेपोजिशन करेगा। और ऑस्मेटिक प्रेशर सॉल्ट प्रेशर है जिससे सेल विल्टिंग और रॉटिंग से बचेगा। अब हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बैक्टीरियल के सेल वॉल स्ट्रक्चर पर, जो कि बिल्कुल डिफरेंट है प्लांट और फंजाई के सेल वॉल से। प्रोकैरियोटिक सेल वॉल में टू प्रोमिनेंट लेयर्स हैं। इनर लेयर पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी है, आउटर लेयर लिपर प्रोटीन्स और लिपोपॉलीसेकेराइड की बनी है। बैक्टीरिया के अपने अंदर ही उनके सेल वॉल केमिकल कंपोजिशन वेरी करती है, जिसकी वजह से इनको टू ग्रुप्स में क्लासीफाई किया है, ग्रैम पॉजिटिव एंड ग्रैम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्रैम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकेन एक थिक लेयर बना रहा है, जबकि ग्रैम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर थिन लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन और एडिशनल लेयर ऑफ पॉलीसेकेराइड है। इस डायग्राम में ये डिफरेंस बहुत क्लियर है।
ग्रैम पॉजिटिव की सेल वॉल स्मूथ और सिंगल लेयर्ड है, जबकि ग्रैम नेगेटिव की वेवी और डबल लेयर्ड है। ग्रैम पॉजिटिव की सेल की थिकनेस 20-80 नैनोमीटर है, ग्रैम नेगेटिव की 8-10 नैनोमीटर। ग्रैम पॉजिटिव में पेप्टिडोग्लाइकेन थिक है, ग्रैम नेगेटिव में थिन है। ग्रैम पॉजिटिव में टेकोइक एसिड प्रेजेंट है, फैट्स की कंसनट्रेशन लो है और लिपोपेरल पॉलीसेक्राइड्स एबसेंट है, जबकि ग्रैम नेगेटिव के अंदर टेकोइक एसिड एबसेंट होते हैं, लिपिड्स 20-30% है और लिपोपॉलीसेक्राइड की एक कंप्लीट लेयर प्रेजेंट होती है। बैक्टीरिया की थर्ड काइंड पैथोजेनिक बैक्टीरिया की है, यानी डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया की। ये टू काइंड्स के टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं, एक्सोटॉक्सिन्स एंड एंडोटॉक्सिन्स। एक्सोटॉक्सिन्स प्रोटीन्स हैं जो कि साइटोप्लाज्म रिलीज करता है और जो सराउंडिंग में टॉक्सिसिटी कॉज करते हैं, जबकि एंडोटॉक्सिन्स जो है वो लिपिड्स होते हैं और सेल वॉल का पार्ट होते हैं। ग्रैम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर लिपोपॉलीसेक्राइड लेयर उनको एंटीबायोटिक्स पेंसिलिन से प्रोटेक्शन देती है। बैक्टीरियल सेल वॉल बैक्टीरिया के लिए वैरायटी ऑफ फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है, लाइक उसकी सेल को स्ट्रेंथ देना, सेल का ग्रो करना, कंजुगेशन टाइम पर टू बैक्टीरियाज का एक दूसरे से कनेक्ट होना, न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करना, टॉक्सिन्स को अवे रखना और दूसरे ऑर्गेनिजम्स में टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करना। इसके अलावा सेल के अंदर जो सॉल्ट प्रेशर है उसको मेंटेन करके सेल को लाइसिस से प्रोटेक्ट करना, सारे फंक्शंस बैक्टीरियल सेल वॉल के हैं। अब नेक्स्ट ऑर्गेनेली जो हमने डिस्कस करना है, दैट इज सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मिन। सेल मेम्ब्रेन फॉर्म्स द सरफेस और स्किन ऑफ एनिमल सेल, इट लिमिट्स द बाउंड्री ऑफ द सेल। सेल मेम्ब्रेन इज इलास्टिक इन नेचर, डेलिकेट एंड हैज एबिलिटी ऑफ सेल्फ रिपेयरिंग। केमिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ टू केमिकल्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, एंड स्ट्रक्चरली इट हैज टू लेयर्स, फॉस्फोलिपिड बायलेयर एंड प्रोटीन्स। फॉस्फोलिपिड लेयर इज डबल लेयर्ड, जिसमें लिपिड पोलर हेड्स जो हैं दे आर आउटवर्ड और हाइड्रोफोबिक फैटी एसिड टेल्स जो हैं दे आर इनवर्ड। इनमें प्रोटीन्स जो हैं वो टू फॉर्म्स में प्रेजेंट हैं, एम्बेडेड प्रोटीन्स और पेरिफेरल प्रोटीन्स। एम्बेडेड प्रोटीन्स इंटीग्रल पार्ट्स हैं, जबकि पेरिफेरल प्रोटीन्स जो हैं वो मार्जिन्स पर हैं। इनके अलावा मेम्ब्रेन के अंदर ग्लाइकोप्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट हैं। सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन्स उसकी शेप को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। एम्बेडेड प्रोटीन्स जो हैं वो एज ए चैनल वर्क करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल के लिए, और पेरिफेरल प्रोटीन्स जो हैं वो सेल की फ्लूइडिटी को इंक्रीज करती हैं। फोर डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस आर टेकिंग प्लेस थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नंबर 1 पैसिव ट्रांसपोर्ट, नंबर 2 फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, नंबर 3 एक्टिव ट्रांसपोर्ट, नंबर 4 साइटोसिस। नाउ वी विल स्टडी दीज ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस इन डिटेल्स। पैसिव ट्रांसपोर्ट इज मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन बट विदाउट यूज ऑफ एनर्जी। डिफ्यूजन इसकी एग्जांपल है और ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन का प्रोसेस लिक्विड और गैसेस में होता है क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करते हैं, एग्जांपल गैशियस एक्सचेंज इन लंग्स। दूसरा प्रोसेस है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में वाटर मॉलिक्यूल्स हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। ऑस्मोसिस प्रोसेस की फर्दर टू टाइप्स हैं, एंडोस्मोसिस एंड एक्सोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस में वाटर इनसाइड द सेल मूव करेगा, इसकी एग्जांपल अब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर थ्रू रूट सेल्स, और सेकंड इनके एग्जांपल कुछ एनिमल स्किन्स जो हैं वो वाटर को सोक करती हैं। एक्सोस्मोसिस में मूवमेंट ऑफ वाटर टेक्स प्लेस आउटसाइड ऑफ द सेल, इसकी एग्जाम्पल स्वेटिंग सेल्स हैं। सेकेंड टाइप है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट इंटीग्रल प्रोटीन्स की हेल्प से होगी। ये लार्जर साइज पार्टिकल्स लाइक ग्लूकोज, सोडियम और पोटेशियम आयंस को हाई कंसेंट्रेशन रीजन से लो कंसेंट्रेशन रीजन की तरफ मूवमेंट करवाएंगी, ये उनकी हेल्प पर होंगी। थर्ड काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इट टेक्स प्लेस अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। इट मीन्स मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट फ्रॉम लो कंसेंट्रेशन टू हाई कंसेंट्रेशन, इट विल बी कैरीड आउट विद द यूज़ ऑफ ATP एनर्जी। ह्यूमन बॉडी के अंदर ग्लूकोज अब्सॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टिन, रूट हेयर सेल्स का मिनरल अब्सॉर्प्शन फ्रॉम द सॉयल, फेगोसाइटोसिस मीन सेल ईटिंग प्रोसेस, पिनोसाइटोसिस मीन सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस, और वाइट ब्लड सेल्स का जम को इंगल्फ करना, ऑल यूज ATP एनर्जी। फोर्थ है साइटोसिस प्रोसेस। साइटोसिस प्रोसेस इज ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन लार्जर क्वांटिटी इन टू एंड आउट ऑफ द सेल। साइटोसिस प्रोसेस को फर्दर 3 कैटेगरीज में स्प्लिट किया गया है, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस एंड ट्रांससाइटोसिस। सबसे पहले है जी एंडोसाइटोसिस, जिसकी फर्दर 2 टाइप्स हैं, पिनोसाइटोसिस एंड फेगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस है सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस, जिसमें लिक्विड का इनटेक वेजिकल्स में किया जाता है, वेजिकल्स को पिनोसोम्स कहते हैं, इसकी एग्जांपल किडनीज में है। पिनोसाइटोसिस से न्यूट्रिएंट्स को यूरिन से सेपरेट करते हैं।
फेगोसाइटोसिस सेल लीटिंग प्रोसेस है जिसमें सॉलिड पार्टिकल्स को वेजिकल्स में इंक्लोज किया जाता है। वेजिकल्स फेगोसोम्स हैं, इनके एग्जांपल अमीबा हैं जो अब फूड टेकिंग और वेस्ट रिमूवल थ्रू वेजिकल फॉर्मेशन करता है, और वाइट ब्लड सेल्स जम को इंगल्फ करते हैं फेगोसाइटोसिस से। एंडोसाइटोसिस के बाद है अब एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस में मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट आउटसाइड ऑफ द सेल होती है, लेकिन वेजिकल फॉर्मेशन से ही बहुत से इंजाइम्स, हॉर्मोन्स और एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन थ्रू वेजिकल्स होती हैं। थर्ड टाइप है जो ट्रांससाइटोसिस, ये बल्क ऑफ मॉलिक्यूलर मूवमेंट जो है बाय वेजिकल फॉर्मेशन इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ सेल होती है। तो मैक्रोमोलिक्यूल्स आर कैप्चर्ड इन द वेजिकल्स ऑन वन साइड ऑफ द सेल, दे आर ड्रैग टू द अदर साइड ऑफ द सेल फॉर इजिशन।